Hello children, welcome to Shalini Mukesh Hubilikar channel. Today I am going to teach you Marathi Sulabh Bharti Iyatta 5vi English medium ke bachchon ke liye. Daha Pail Pola. Ye jo poetry hai na, ye bahut 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 important hai aap logon ke liye. To aap logon ko ye poetry to yaad karni hai aur saath saath iske question aur answers bhi aap logon ko acche se yaad karne hai. तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग इस कविता में क्या लिखा है. ऐका वाचा. सण बैलांचा आज पोळा, गोठ्यातील बैल न्हाऊ घाला. सण बैलांचा यानी बैलों का एक खास डे, इसको बोलते फेस्टिवल. बैलों का फेस्टिवल कौन सा होता है तो पोळा. ये जो फेस्टिवल है वो बैलों के लिए साल में एक बार आता है. गोठ्यातील बैल न्हाऊ घाला, जो तबेले में जो बैल है उनको सबको नहलाओ. मखमली झूली रंगित सिंगे, कपाई बांधली रेशमी बाशिंगे. मखमली झूली, मखमल की झूली रंगित सिंगे. उस दिन है ना वो बैलों के जो सींग होते हैं ना उन लोगों को कलर किया जाता है, कलरफुल करते हैं उसको. कपाई बांधली रेशमी बाशिंगे, ये जो है ना इसे कहते हैं बाशिंग. और ये जो इधर पीठ में डालते हैं ना इसको बोलते हैं झूली. ये देखो इसे डालते हैं ना पीठ में, इसको झूली बोलते हैं. ढवळ्या पवळ्या, ये है ना बैलों के नाम है. ढवळ्या पवळ्या सजले धजले, यानी वो लोग सज धज के तैयार हो गए. गांव भर बघा मिरवू लागले. ये फेस्टिवल जो होता है ना, इस फेस्टिवल में बैलों को सजा धजा के पूरा उनको गांव भर वो लोग ढोल भील बजा के नाचते नाचते पूरे गांव में लोग घुमाते हैं. किसका बैल सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल दिख रहा है, किसके बैल को सबसे ज़्यादा सजाया गया है वो सब. और सब जन अपने बैलों को लेके मिरवू लागले, यानि ये करना पूरे गांव भर में पूरा ढोल भील बजा के घूमना. आजच्या दिनी का नाही काम धाम. पोळा ये जो फेस्टिवल होता है, पोळा के दिन बैलों से कुछ भी काम कराया नहीं जाता है. वो खास उनका फेस्टिवल होता है, इसके लिए उस दिन उन लोगों को कुछ भी काम धाम नहीं होता. पुरण पोळी खाऊन नुस्ता आराम. और पोळा के दिन पुरणपोली बनाई जाती है, वो स्वीट डिश है मराठी लोगों का, रोटी के जैसा रहता है. तो वो बना के बैलों को उस दिन खिलाया जाता है. ठीक है, तो ये है, ये था बैल पोळा. बहुत इम्पोर्टेंट है ये कविता, मैंने पहले भी कहा आपको. इसे लिखा है धोंडी राम सिंह राजपूत ने. और यहाँ पर आप लोगों को मीनिंग्स दिए हुए हैं अगर कुछ समझ में नहीं आ रहे हैं तो. ठीक है, अभी प्रश्न पहला एका वाक्यात उत्तरे लिहा. आंसर इन वन सेंटेंस. ओ, बैलांच्या सणाला काय म्हणतात? बैलांच्या सणाला बैल पोळा म्हणतात. आ, बैलांना कसे सजवले आहे? बैलांना मखमली झुली, रंगीत शिंगे, कपाळी बांधली रेशमी बाशिंगे. बैलांची नावे कोणती आहेत? बैलांची नावे ढवळ्या पवळ्या आहेत. बैल पोळ्याच्या दिवशी बैलांना काय खाऊ घालतात? बैल पोळ्याच्या दिवशी बैलांना पुरणपोळी खाऊ घालतात. काय की जगह पे आहे का पुरणपोळी? आन्सर मी. प्रश्न दुसरा, शेवट समान असणारे कवितेतील शब्द लिहा. एंड सेम है जिसका. उदाहरणार्थ मखमली झुली, इससे राइमिंग वर्ड होते हैं ना वैसे. झूली बांधली, शिंगे बाशिंगे, सजले धजले लागले, काम धाम आराम. तो ये है, इस तरह से राइमिंग वर्ड ढूंढने को कहा आपको. इसमें हो गया अपना. प्रश्न तीसरा, बैल गोठ्यात राहतात तसे खालील प्राणी कोठे राहतात? जिस तरह से बैल गोठ्यामध्ये रहते
गोठे में रहता है, तो उस तरह से अदर एनिमल्स जो है वो कहाँ पर रहते हैं, घोड़ा तबेला, वाघ गुंफा, माकड़ झाड़ावर, हत्ती जंगलात, मासा पाण्यात, कासव पाण्यात आणि जमिनीवर। प्रश्न चौथा, खालील शब्दांपासून अनेक शब्द बनवा, उदाहरणार्थ कपाळी, कळी, पाळी, पाक, पाकळी। प्रश्न चौथा, खालील शब्दांपासून अनेक शब्द बनवा, उदाहरणार्थ कपाळी, कपाळी। अभी एक वर्ड दिया है आप लोग को, तो ए वर्ड से आपको और वर्ड्स बनाने हैं, जैसे कळी, ये देखो कळी, पाळी, पाक, पाकळी, ये वर्ड बन गया। अभी पुरण पोळी से पुरण, पोळी, रण, पोर, पूर, पूळी, आ गाव भर, गाव, गार, देखो गार, भरव, यानी निवाला मुंह में डाल दे ना बच्चों की, उसको बोलते भरव, वर, वर, भर, भवर, ठीक है। प्रश्न पांचवा, सजले धजले अशा शब्दांना जोड शब्द म्हणतात, जॉइंट वर्ड्स कहते इसको। कवितेत आलेले खालील जोड शब्द वाचा, जसेच्या तसे पाहून लिहा, असे आणखी काही जोड शब्द बनवा। अभी जिस तरह से पोएट्री में काम धाम आया है, तो उसी तरह से और क्या क्या वर्ड्स आ सकते हैं, दळण वळण, काम काज, खाने पीने, इस तरह के वर्ड्स ढूंढने आपको, ठीक है। अभी पुरण पोळी, पाला पाचोळा, पाव भाजी, पाणी पूरी, रगडा पेटीस। प्रश्न सहावा, गावभर मिरवणे म्हणजे संपूर्ण गावातून फिरणे, खालील शब्दांना भर हा शब्द जोडा आणि वाक्यात उपयोग करा। अभी गावभर मिरवणे याने पूरे गाव में, मैंने बोला आपको जिस तरह से पूरे गाव में घुमाना बैलों को, तो अभी एक एग्जाम्पल दिया इन्होंने, बाबांनी पोतभर धान्य आणलं। ये जो भर इज अ कॉमन वर्ड है और ये दूसरे वर्ड्स दिए हैं, तो हम लोगों को कैसे वर्ड्स बनाने हैं, तोंड भर, पिशवी भर, हाथ भर, घर भर, तो इसका उन लोगों ने वाक्यात उपयोग करा भी कहा है, तो इसका हम लोग वाक्य में उपयोग कैसे करेंगे। अभी तोंड भर, आई ने मुलाला तोंड भर खाऊ दिले, यानी अच्छे से उसको खाने को दिया माँ ने उसकी। पिशवी भर, बाबांनी पिशवी भर भाजी आणली। हाथ, हाथ भर, राम ने हाथ भर फळे आणली। घर भर, युवराज ने घर भर खेळणी पसरली, ठीक है। प्रश्न सातवा, तुमच्या आवडत्या प्राण्याची माहिती पाच वाक्यात लिहा, जो भी तुम लोग का फेवरेट एनिमल है उसके बारे में 5 lines लिखो। अभी जैसे आपको कुत्ता अच्छा लगता है, गाय अच्छी लगती है, तो उसके बारे में आपको 5 lines लिखने हैं, ठीक है। आएगा ना लिखने को तुम लोग को, देखो देखो कोशिश करो आएगा। खालील चौकटी काही अक्षरे दिलेली आहेत, त्या अक्षरांपासून फुलांची 13 names तयार होतात, ती शोधा आणि लिहा। ये देखो मैंने यहाँ पर ढूंढ के निकाले हैं, तो इसमें क्रॉसवर्ड की जैसा उन्होंने क्या पूछा है आपको कि इसमें 13 flowers के नाम छुपे हुए हैं जो मराठी में है, ठीक है। जैसे पारिजात, कमळ, मोगरा, जास्वंद, शेवंती, अबोली, और जाई, जुई, गुलछड़ी, गुलछड़ी नाम का भी फूल है, साफा, गुलाब, सदाफूली, झेंडू, अबोली, देखो पता नहीं कुछ रिपीट भी हुआ रहेगा, तो
कमल शेवंती, तो देखो इस तरह से ये नाम है जो फाइंड आउट करने हैं आप लोग को क्रॉसवर्ड के साथ जो आपको पसंद है। लेकिन अगर आपको फूलों के नाम ही पता नहीं है तो फिर आप लोग कैसे कंप्लीट करोगे, ठीक है। और ये जो नाम है ना साइड में लिख के भी निकालना आप लोग, ताकि आपको याद हो जाए, क्योंकि एग्ज़ाम में आने के फुल चांसेस है ये। तो इस तरह से मैंने अभी आपको ये कविता एक्सप्लेन करके अच्छे से बताया है। आई होप आप लोग को बहुत ईजी जाएगा ये, और आप लोग को पोएट्री याद कर लेनी है, ठीक है। तो कैसे याद करेंगे तुम लोग ये पोएट्री? सण बैलांचा आज पोळा, गोठ्यातील बैल न्हाऊ घाला, मखमली झुळली रंगीत शिंगे, कपाळी बांधली रेशमी वाशिंगे, ढवळ्या पवळ्या सजले धजले, गावभर बघा फिरवू लागले, आजच्या दिनी नाही काम धाम, पुरणपोळी खाऊ नुसता आराम। इस तरह से याद कर लो तो आप लोग को इजीली याद हो जाएगा, ठीक है। और मैंने आप लोग को कहा है कि किस तरह से बोलना है बोलते समय में, ओके। चलो फिर, अभी आप लोगों ने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले आप मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो सब्सक्राइब करो, बेल का आइकन टैप करना बिल्कुल भी भूलना नहीं है, ताकि आप लोग को सबसे पहले मेरे वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है। और लाइक का बटन दबाना आपको बिल्कुल भी भूलना नहीं है, और कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड वर्क हार्ड, ओके। देखो अभी अगले महीने में एग्ज़ाम आ जाएगा आपका, मोस्टली एंड ऑफ लास्ट वीक या फिर फर्स्ट वीक ऑफ ये कौन सा महीना है अभी, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर के फर्स्ट वीक से आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो सकता है, ओके। चलो फिर अभी से तैयारी चालू कर दो, बाय।